नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुई है। आज हम लोगों से जानेंगे क्या है उनकी ही विधानसभा का हाल। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सर, विधायक जी का कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल ऐसा है कि रोडों पे खड्डे पड़े हैं, दो दो फीट के। 5 साल में कोई सुध नहीं ली, अब रोडे बनाने के लिए भग रहे हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला है नहीं। और जो ये रेवड़ी बांट रहे हैं ना फोकट की, उनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। रेवड़ी कुछ लिया आपने? नहीं ली अपने तो नहीं लेते रेवड़ी। रेवड़ी हम तो कमा के खाने वाले हैं, इनके पीछे थोड़ी घूमते हैं। कौन कौन सी रेवड़ी बांट रही है सरकार? मोबाइल बांट रहे हैं, ये लून मिर्ची बांट रहे हैं, उसमें पूरा नकली माल है, ये सब बीमारी की चीजें हैं। देखा आपने जो फूड पैकेट तक खोल के देखा है हमने? वो लोग बोलते हैं इनमें मिर्ची के माने वो आ रहा है, गैरूट मिला के आ रहा है, और कुछ आ रहा है, सब बेकार चीजें। जैसे बिजली के बिल भी फ्री किए ना, तो हमने कल देखा है गांव में लोगों के बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं और लफाफा आ गए 5-5 हजार के। अच्छा, घरों में लिफाफे आ रहे हैं? हाँ, लिफाफे आ रहे हैं 5-5, वो क्या क्या पता किसके आ रहे हैं। मैंने कल ही बोल के आया गांव में भाई फोकट की। और गाँव कौन सा गाँव है आपका? डाणी बोराज है हमारा गाँव। घर में लिफाफे आ रहे हैं सबके? खुले लिफाफे आ रहे हैं? खुले लिफाफे बिजली बोर्ड वालों ने सब पूरे गांव में लिफाफे दे दिए। अच्छा। किसी के 5 हजार का आ रहा है, किसी के 10 हजार का आ रहा है, जाके आप पहुंचो वहाँ पे गांव में। गहलोत साहब तो फिर भी ठीक है। अच्छा, पर ये नीचे वाले है ना, कोई काम के नहीं है। कटारिया साहब कुछ काम नहीं किया। तो कौन कर रहा है फिर काम? हुआ ही नहीं 5 साल में कुछ भी। अच्छा, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो काम है यहाँ पे। ये फ्री बिजली सारा, फूड पैकेट एकदम जीरो। बेकार है, बेकार फोकट का सब बेकार है। राजपाल जी का कैसा है फिर? उनका अच्छा है, ईमानदार आदमी है, पहले 10 साल रहे, बढ़िया काम किया है उन्होंने। फिर जनता ने दोबारा एक बार छोड़ कैसे दिया राजपाल जी का हाथ? वो तो उनके कोई मैटर वो आ रहे थोड़े थे, उनको तो हराया गया था। किसने हराया था? उनके समाज वालों ने हरा दिया, उनके कोई था मैटर नहीं हारते। अब की बार आएंगे राजपाल जी, आएंगे राजपाल जी, आएंगे राजपाल जी, आएंगे। बहुत अच्छा है, राजपाल अच्छे वोटों से जीतेगा आपकी बार। क्यों? अब देखो ये बच्चे लोग एग्जाम देते हैं और हर पेपर आउट हो जाता है, मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मिलता नहीं है। बताओ, भ्रष्टाचार बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान में एक भी पेपर अभी तक सफल नहीं हुआ। अच्छा, या तो लीक हो जाता है, या पेपर चोरी हो गए, या कहीं गुंडागर्दी हो गई। और गुंडागर्दी तो इतनी हो गई, दूसरा यूपी हो गया अपना राजस्थान, नंबर वन पे है अभी। तो यहाँ भी एक योगी बाबा की जरूरत है। अच्छा। योगी बाबा आएंगे, रोड़े भी ठीक होगी। अच्छा, अरबों के लोगों को, ये औरतों को और विधवाओं को सबको नरेगा में मोबाइल दिए हैं। अगर मोबाइल ना देके रोड़े ठीक हो जाती अपनी, पूरी रोड़े बन जाती राजस्थान की। रोडों पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, खड्डों में आए दिन मोटरसाइकिल जा रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी रोड को देख लो आप, कालवाड़ से लेके जोटवाड़ा तक, कटारिया जी इतने दिन सो रहे थे और अब चुनाव सामने आए, लगा रहे दबा दब, काम करो। बीजेपी ने काम किया ना, उसमें कांकरे नहीं डले इन लोगों से 5 साल में। क्या बावली बात कर रहे हो आप? जो बीजेपी ने दिया है, सिंगल फेस की लाइट दी है ग्रामीण में, 24 घंटे आ रही है, लेटरिंग बाथरूम बने हैं, तो इन्होंने क्या किया? फ्री की रेवाड़ी बांट रहे ये लोग, कुछ नहीं है। अब एक दो महीने बांट लो और क्या है। सरकारी जमीने हैं या कोई मंदिर माफी जमीने हैं, उनको खाने में लग रहे हैं। 1 बीघा वो उसको देगा और 1 बीघा उसको, और बाकी को खा खुआ के नक्के करेंगे। सब कांग्रेस वाले जेब भरने में लग रहे हैं। डोटासरा साहब का नाम सुना है? गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बेटे आ रहे हैं सर, और उनकी बहू भी आ रहे हैं सर, उनके जमाई भी आ रहे हैं सर। आप बोल रहे पीपल, तो वही लोग, कौन सी चक्की का आटा खाया है उन्होंने जो RS बन गए, और का क्यों नहीं नंबर आया, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। लेकिन वो तो बोलते हैं कि जब मेरा बच्चा RS था बना, जब सरकार भाजपा की थी। कब थी? अभी बना है। अच्छा। इसके राज में बना है, हमारे को पता है कैसे? पता नहीं है उस चीज का, पता है हमारे को। राजेंद्र जी राठौड़ ने मुद्दा भी उठाया था, भाई ये लोग कौन सी चक्की का आटा खाया है, तो मतलब ये ही RS बने हैं। बोलते हैं कि बोले RSS को बिल में बांट देंगे। कैसे बांट देंगे? अब तक तो कोई बड़ा नहीं है। अजी, अब की बार पब्लिक है ना, जो बिगर हाथों से बिल खोद खोद के डाल देगी अंदर सबको ध्यान में। कटारिया साहब को? कटारिया जी को बिल्कुल कहीं अड़ेंगे नहीं अब की बार। अच्छा। कहीं भी नहीं आने जाना है, कुछ भी नहीं है। अब की बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार चाहिए अब की बार। अगर CM फेस किसे देखते हैं, अगर भाजपा सत्ता में आती है, आपके यहाँ से विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सत्ता में आती है,
तो सीएम किसे देखते हैं आप? सीएम वो आजकल तो उसका हो रहा है बाबा है ना वो उधर, बाबा बालकनाथ, बालकनाथ जी है ना अलवर के सांसद, अगर वो आते हैं तो बीजेपी इकतर भी जाएगी इधर। देखो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी ठीक थी, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करवाया है, काम भी विकास जो भी करवाया है बढ़िया करवाया है, रोडे ओडे जो ग्रामीण में हम लोग चलते हैं छोटी मोटी रोडे ये इन्होंने ही बनवाई है, ऐसी बात नहीं भाई काम नहीं करवाया, काम करवाया है। वसुंधरा जी पर दिखती नहीं है आजकल आमजन लोगों में कम आ रही है, लोग भी ये कांग्रेस वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि बोले 4.5 साल से कैसे नहीं आ रही है, हमारे घर 12 बजे आई है कैसे नहीं आ रही है। देखो वसुंधरा जी भी पहले 5 साल 10 साल काम करवाया उन्होंने भी, लेकिन अब जी बार गए यहाँ पे तो मेन मुद्दा है गुंडागर्दी का। अच्छा। ये गुंडागर्दी तो वो बाबा ही बंद करवा सकता है। अच्छा। और कोई नहीं है, नया चेहरा है ही नहीं यहाँ पे। बाबा बालकनाथ जी के साथ जाएंगे आप? बिल्कुल उनके साथ जाऊंगा। देखो बालकनाथ जी का अलग ही है रुतबा, अलग है उनका, अलग ही है। क्या बात है, बढ़ना चाहिए बालकनाथ जी, बढ़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी है और ऐसे आदमी की जरूरत है राजस्थान में। आपने अभी अंकल फ्री की रेवड़ी की बात की, तो गहलोत वसुंधरा राजी जी ने भी अपने मोबाइल बांट रहे थे आपको अगर याद हो तो। नॉर्मल मोबाइल दिए थे जो एक स्कीम के थ्रू। क्या नाम है अंकल आपका? ये लोग क्या है कर्जा माफी के चक्कर में आ गए। अच्छा। कि भाई किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कैसे? पहले जो सरकार बनी थी ना तो राहुल गांधी ने बोला था ना 1, 2, 3, 10 तक गिनते 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का, इस चक्कर में ये कांग्रेस सरकार बनी थी, नहीं पहले भी नहीं बनती। तो दस्तक गिनती गिनने में अभी तक 5 साल लगे, दस्तक गिनती नहीं हुई उनकी। अच्छा। और अभी क्या पता कितने साल लगेगी उनकी, कितनी कभी भी दस्तक गिनती होगी नहीं। अच्छा। पूरी तो गहलोत साहब की गिनती पूरी हुई नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई गिनती पूरी, हुई नहीं हुई ना होगी उनकी, कभी भी जिंदगी में नहीं होगी उनकी। राजे की, मैडम साहिबा की, बीजेपी वाले तो कर रहे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जैसे भी दे रहे हैं तो किसानों को जैसे 6,000 रुपए साल के दे रहे हैं, सबके हित में काम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस तो क्या करती है भाई, अपने को कौन वोट देगा उस हिसाब से रेवड़ी बांटती है। अच्छा। और कुछ नहीं करती। लेकिन फ्री व्यवस्था तो दी है आपके, अस्पताल की व्यवस्था दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना जो है, चिरंजीवी योजना के बारे में सुना होगा, 25 लाख का बीमा दे रहे हैं। खैर वो तो दे रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है। रेवड़ी भी ये जो दे रहे है न, ये पहले 7 लाख का था। सबसे पहले किसी पार्टी से तो नहीं है आप? नहीं नहीं पार्टी से नहीं हूँ मैं। अच्छा। पहले दे रखा था 7 लाख रुपए का। अच्छा। अभी दे दिया 25। पहले 5 लाख का था, उसको 25 लाख का किया, 25 लाख कर दिए। अभी जैसे बिल था पहले लोग सब जमा करवा रहे थे, अब उन बिलों में क्या है पैसा चढ़ गए इधर उधर से और वैसे के वैसे वो बिल चालू हो गए। पैसा पब्लिक को ही देना है, बिल भी पब्लिक को देना है, सब उसी को देना है, लेकिन ये इधर उधर कर करा के पैसे पूरे लेंगे। अच्छा। एक साहब बाकी, हाँ ये बात आप मुझे भी सुनने में ऐसा है कि वो स्थायी शुल्क बढ़ा दिया है उन लोगों ने। वो ही तो बोल रहा हूँ, स्थायी शुल्क बढ़ा के ले रहे हैं। अब मेरे 100 यूनिट मेरे फ्री कर दिए तो उधर बढ़ा के ले रहे हैं, वो तो पैसा छोड़ना कहाँ है, अगर छोड़ेंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पैसा तो पूरा लेंगे ये लोग। खाली ये है चुनाव होने तक ये 25 लाख रहेगा और चुनाव हुए और वापस डाउन आ जाएंगे या स्कीम ही बंद हो जाएगी, मेरे को लग रहा है ऐसा। ये लोग रेवाड़ी बांटने के लिए पब्लिक को बेड़ी कर रखी है, आधार से जुड़ रखे है सब लोग, तो वैसे ही मिल जाए ये चीज, वहां बेड़ी करने की क्या जरूरत है। मोबाइल तो वो सुंदरा जी ने भी दिए थे लेकिन इनकी जैसे नहीं किया, भाई तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, मेला भराओ, क्या बताओ। वसुंधरा जी ने बंद कर दिए थे। अच्छा। फिर गहलोत जी ने आते ही वापस चालू कर दिया ना, क्योंकि पर्सनल गाड़ी होती है वो क्या कमाता है उसमें, पर्सनल जो गाड़ी होती है पब्लिक की उसमें वो क्या कमाता है, जो स्टेट वाला ये टोल लगा दिया वापस, इसमें कौन सा बिजनेस हो रहा है, बंद होने चाहिए। वैभव गहलोत को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। वैभव बोले तो कोई भी आ जाओ, कांग्रेस दस पार्टियां साफ है, कुछ नहीं होगा कांग्रेस से। डोटासरा जी हैं, गहलोत हैं, सचिन पायलट जी, सचिन जी आओ, कोई आओ, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। पायलट तो चाहता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, गहलोत साहब का मुंह छूट रहा नहीं है सीट से। अच्छा। है? हाँ। तो वो लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते कोई काम तो होना नहीं है, फील्ड में तो कोई काम होगा नहीं। हाँ। और वो लड़ने में आपका काम पूरा कर देंगे, पब्लिक वैसे के वैसे रोएगी फिर। लेकिन लड़ाई तो भाजपा में भी है, सत्ता की लड़ाई राजेंद्र राठौड़ के बीच में है, राज्य में है, सतीश पूनिया जी है। नहीं वो उधर से है लेकिन ऊपर से दबाव तो रहेगा, इनके बाप बेटे हैं आगे, तो
बाप कौन है? बैठा है ना, मोदी बोलेगा ना वहाँ से, इधर तो दबाव नहीं है ना भाई, सरकार इनकी है ही नहीं तो दबाव नहीं है, खुली गुंडागर्दी, खुद भी चोरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ढिका फलाना ऐसे हो रहा है यहाँ तो। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, राजस्थान में भी हुई थी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजस्थान में तो, नहीं पड़ेगा राजस्थान में तो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गगा जी क्या नाम है आपका? गोपाल जी नाम से मार दो, फोन बोले जाते हो। कैसा काम है कटारिया साहब का? कटारिया साहब का काम कैसा? कटारिया साहब का काम नहीं करवाया अभी तक, काम करवाया, रोड पे तो खड़े पड़े हैं, देखो आपको मालूम है सर, शहर में खड़ा पड़ा है दुनिया भर के, रोडों में पानी भरा है, कचरा पड़ा है दुनिया भर का, कौन सफाई तो करवा रही नहीं है। कृषि पशुपालन मंत्री हैं विधायक जी, तो मंत्री भी हैं कैबिनेट के, गहलोत के खास भी हैं। कौन है? लाल सिंह कटारिया जी जो हैं गहलोत पशुपालन मंत्री हैं। खड़ा करवा रहे थे और खड़ा खोदा है, छह जी रोड और फुटा तैयार करवा रहे थे, ठंड चढ़ाव को जाए ला पिए पड़े रहा खड़ा से, ऐसे पड़े हुए रोड जा, कोई काम नहीं है साढ़े चार साल में अभी तक कोई काम क्या हुआ? तो काम मेरी को बताओ, कौन सी रोड़ा बना दी, कौन सा खड़ा पड़ा है में, और क्या समस्या है पानी के अलावा? पानी की भी यही, सभी चीज की समस्या है, पानी नहीं है। किसानों के लिए क्या काम किया है? पानी है नहीं है यहाँ, पीना का टैंकर आता है, हाँ। बाकी लोगों से जब मैं आपकी विधानसभा में मैंने कभी चक्कर लगाया, लोगों से बातचीत की है, लोगों का कहना है कि टैंकर माफिया बहुत बड़ा है यहाँ पे, टैंकर बड़ा कटा है, टैंकर से आता है पीपा का पानी, पानी ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है पानी की यहाँ, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है अंकल आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जी, शर्मा जी कैसा कार्यकाल है अभी तक करा नहीं सकता? कार्यकाल कहाँ है साहब, रोड टूटी फूटी पड़ी है, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, रोड का हालत देखो क्या हो रही है। झोटवाड़ा में कहाँ से आते हैं? झोटवाड़ा क्षेत्र में आप? झोटवाड़ा सिल्क कॉलोनी से आता हूँ मैं, सिल्क कॉलोनी से। अच्छा, राजपाल जी का कैसा है? राजपाल जी, राजपाल जी भाजपा प्रत्याशी रहे हैं? राजपाल जी काम के नहीं है यार। अच्छा, मतलब कांग्रेस भी काम की नहीं, भाजपा भी काम की नहीं है? भाजपा काम की है, वो आएगी है सत्ता में। पर मुझे बताइए, अगर उनकी विधायक ही अगर नहीं जीतेंगे तो फिर क्या सत्ता में कैसे आएगी? विधायक क्यों नहीं जीतेंगे उनके? राजपाल जी को तो मना कर रहे हैं आप। राजपाल जी को क्या करें, तो काम नहीं करवा रहे हैं वो, काम कहाँ करवा रहे हैं, काम करवाए तो कोई बात भी करे। अच्छा, मतलब क्षेत्र में भाजपा नहीं चाहिए लेकिन सत्ता में भाजपा चाहिए? सत्ता में क्या, भाजपा तो आएगी, यहाँ तो सत्ता परिवर्तन है, पाँच साल में सत्ता परिवर्तन होती है, और उन्होंने वो काम करते हैं तो आते हैं, रिपीट करती है सरकार दोबारा उनकी। गहलोत ऊपर बोल रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे हैं वो। गहलोत के बोलने से थोड़ी होगा साहब, गहलोत जी बोलते हो गया थोड़ी है, गहलोत जी तो मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल अभी तक लोगों का आया नहीं है, स्मार्ट कार्ड में नाम मेरा भी है, हमें अभी तक मिला ही नहीं। मैसेज वगैरह नहीं आया आपको अभी तक घर में? कुछ नहीं आया सर। चलिए पार्वती, अगर आपको मोबाइल मिल जाता तो सपोर्ट करते गहलोत साहब को? सपोर्ट क्या करेंगे, सपोर्ट उनको मिलेगा तब तो, ये अभी आचार संहिता लग जाएगी इसमें। नहीं, अगर आपको आपने कहा कि आपका नंबर मैसेज ही नहीं आया, वो नहीं मिलेगा साहब। अच्छा। मोबाइल नहीं मिलने वाला है, अगर मिल जाता है तो? नहीं मिलेगा सर। अच्छा, मिलेगा ही नहीं, नहीं आपकी आशा छोड़ दी हमने तो, आशा छोड़ दी। चलिए, और फ्री बिजली? फ्री बिजली कहाँ मिल रही है, वो रेंट आ रहे हैं 2400 रुपए के बिल आ रहे हैं हमारे, किसी के 3000 है, हमारे पड़ोस वाले 3000 है, मेरे 2400 का बिल दिया मैंने। ग्रामीण में आता है ना आपका तो? नहीं नहीं, तो सेमी अर्बन। सेमी अर्बन है आपका जी, तो पर फिर भी वहाँ पे कुछ छूट नहीं है आपको अभी तक? अभी कोई छूट नहीं है सर, 500 कुछ रुपए छूट देते हैं वो। स्थायी शुल्क में बढ़ावा है अभी पहले जैसा ही है? स्थायी शुल्क वही आ रहा है जो आ रहा था पहले। अच्छा, अगर कटारिया साहब के नंबर देंगे को, कितने नंबर देंगे कटारिया साहब को 10 में से? कटारिया साहब को 5 नंबर भी नहीं मिले हैं साहब, शासन में शासन में कोई नंबर नहीं है साहब, 0 0 है एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम साहब। राम राम, राम राम। विधानसभा आपकी झोटवाड़ा है, तो कैसा है आपके यहाँ विधानसभा का हाल, कैसे कैसे काम हुए अभी तक? काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, थोड़ा फोड़ा चल रहा है सारा, बढ़िया हो रहा है। विधायक जी कौन है आपके? विधायक जी तो मैं लालू राम कटारिया। लाल सिंह कटारिया जी, कैसा अभी तक आने, अभी तक आते हैं लाल सिंह कटारिया जी? दर्शन ही उनके देखना, दर्शन ही नहीं हुए आपको? फिर काम करने कौन आता है? काम को बड़ा तो हो रही है, रोड़ा फोड़ा गा रहा काम से। हाँ, अच्छी से मैं संदा आता ही और खुलर का बताऊँ कैसा अभी तक का? 4.5 साल हो गए, चुनाव आने वाले हैं, तो
दोबारा लाल सिंह कटारिया जी को चुनेंगे कैसे, क्या क्या रहेगा? अब देखो काहे पर काहे रहते पर तो कौन बात हो, सरपंच ने बतावा है कार्यकारी का कराने से जो आपको क्या लगता है कौन ऐसे क्या आप कैसे काम? मेरे डैड हमारा था अनपढ़ आदमी मान गई थी, वोट तो देते हो ना अंकल आप है, वोट तो देते हो ना, वोट वोट तो देता काम के, कैसे वोट देते हो मतलब चुनाव आते तभी तो वोट देते हो ना, तो आज साल में क्या क्या काम हुआ वही पूछ रहे हैं वो बताओ ना। मांगते हीरा लाल अंकल, क्या नाम, क्या नाम है अंकल आपका? हीरा लाल। विधानसभा कौन सी है, विधानसभा कौन सी है आपकी? जोटवाड़ा। जोटवाड़ा लाल सिंह कटारिया जी का कैसे काम रहा है अभी तक का? आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ दिया, कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिया? काम करा पाऊ और काम बताइए, क्या क्या काम किए? काम खाली रोड़ा को और जहाँ कोई खोल दिया पंचायत विकास कमरा गटर मात्रो मरियम खाली एक समस्या है वहाँ पानी पानी बिन और आग लगी भाई, अब की बार माँ होता है समस्या मेट ना पानी। लाल सिंह कटारिया जी के काम से खुश हैं आप लोग? बढ़िया बिल्कुल। कुछ समस्या, कोई भी समस्या जो आपको? समस्या पानी की समस्या बड़ी समस्या बताई जाती है आपके क्षेत्र में? पानी क्या, पानी की समस्या खूब देते, वो हल होती नहीं होती है वो समस्याएं? समस्या खूब देते पानी की, तो खूब समस्या होते आता है। पानी कितने घंटे आता है वहाँ पे? पानी तो घंटे आने बुझे 15 मिनट हो जाए बस, दिन में बैठ जाइए आराम से आ जाइए, 15 मिनट हो जाए सिर्फ 15 मिनट पानी आता है अपने यहाँ पे। बाकी दिन भर बाकी कैसे पूरी करते हैं पानी की पूर्ति कैसे होती है? 700 रुपये 500 रुपये देता है। प्राइवेट टैंकर्स की समस्या है मतलब कि प्राइवेट टैंकर्स वालों को बुलाना पड़ता है आप लोगों को? 500 भी ले लिए, 700 भी ले लिए, 100 भी ले लिए, 300 से कम नहीं बने। टैंकर माफिया है मतलब आपके यहाँ पे? पानी वैसे गवर्नमेंट का पानी आता ही नहीं हमारे। कोई ज्ञापन नहीं दिया आपने क्योंकि लाल सिंह कटारिया जी अच्छे आप जैसे बता रहे हो कि बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे, फिर आज जो ज्ञापन दो सरपंच ने दे दियो, जो ज्वाइन दे दियो, लाल सिंह जी ने दे दियो, क्या बोले फिर सबने दियो, करेंगे आपकी समस्या हल करेंगे। कब होगी चुनाव? तो आने ही वाले हैं फिर, तो चुनाव बाद में देखा लगा जब, तो हमारे तुम्हारे गवर्नमेंट 2-3 महीना ही हो रही है, अब की बात कर देंगे कहीं बांध से जोड़ देंगे, बांध से जोड़ देंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम रविपाल है। कहाँ से, कौन सी विधानसभा आपकी? यहाँ का ही है जो भी है। दूर बड़ा सही हो आप? नहीं नहीं यहाँ वहाँ का। विधायक जी कौन है आपके यहाँ से? विधायक जी कौन है? विधायक जी अभी जो लाल सिंह अटरिया है ना भैया, काम क्या करते हैं आप? काम हम समोसा कचौरी बनाते सर। समोसे कचौरी बनाते हैं, क्या क्या समस्या है आपके यहाँ क्षेत्र में? समस्या देखो थोड़ा बहुत हर जगह रहता है, लेकिन जैसे बताया ना हीरा लाल, पानी का समस्या थोड़ी है, समस्या तो ये यार क्या है, तो समस्या तो हर जगह ही है, ये बात नहीं जो हमारा यहाँ ही है, हर जगह ही ले लो, जो बोलता है वो तो होता ही नहीं है, वो तो होता है क्या, ये भी आपको भी पता ही बात को, तो ये तो होता ही नहीं है। जैसे हमारा अभी तक क्या रहते हुए कि मेरे को 25 साल हो गया, अभी तो मेरे को होम लागू नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ जो सुनो, अभी तक मेरे राशन कार्ड नहीं बन गए लेकिन लागू नहीं हुई, क्यों नहीं बोला आगे से नहीं लागू बंद है? आप बताओ इसमें इतना कमाई थोड़ी है, इसमें अभी धंधा धप हो रही है, लेकिन हमारा क्या सुविधा है, वही बात है, हो जाएगा कब होगा? सरकार तो बोल रही है फ्री बिजली मिल रही है आपको। फ्री बिजली देखो बिजली की तो सबके जैसे आधा है वो तो जमा तो करना ही पड़ता है, एकदम से फ्री थोड़ी होगा, जो गवर्नमेंट के थ्रू में दिया इतना ही हो रही है, लेकिन देखो समस्या जो आप लोग बोल रहे हैं जो समस्या कैसे है, समस्या तो हर जगह ही है, लेकिन अभी जैसे चल रहा है आने वाले कौन आएगा ये मेरे को भी नहीं पता ना, आपको पता है? हाँ वो तो आप और मैं तो डिसाइड कर नहीं सकते, पर लेकिन वोट देने आप जाते हैं, पर वोट सही है भाई, मतलब 20 पैसा राशन नहीं मिल रहा, क्यों राशन वो जुड़े नहीं हुआ अभी तक, देख लो ना हम मजदूर आदमी हैं, नहीं हुआ हमारे राशन कार्ड बने हुए लागू नहीं हुआ, वो सब कुछ बन चुका, अब बताओ क्या करें, अपन जैसे थोड़ा बहुत मदद हो जाती तो थोड़ा तो हो जाता ना हमारा काम, लेकिन वो भी नहीं हो रही है, अब किसको पास जाए, सरपंच के पास जाता वो तो बेचारा सारे काम कर दिया, आगे से लागू करेगा तभी तो होगा ना, हम देखो छोटा सा बड़ा राजस्थान भी हुआ हूँ बाहर का तो क्या हुआ, लेकिन मेरे को तो यहाँ 25 साल तो माचुआ में हो गया, बाकी पोलोट्री मेरे तो छोटा सा बड़ा मैं यहाँ ही हुआ हूँ, आप बताओ क्या करें, वहाँ तो मेरा हो गया था लेकिन यहाँ आने के बाद तो बाद में बनी है राशन कार्ड, लेकिन लागू नहीं हुआ अभी तक, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूल तो साफ सुथरा बोलता हूँ, बात यही है यार क्या है।
बाकी जो कोरोना में है वो तो देखो जो सबको जीता था मदद किया था, ये झूठ नहीं बोलूंगा मैं। कोरोना जब हुई थी मदद किया था भाई, उसमें मिला था जैसे सबको मिलता, गेहूँ मिलता, आलू मिलता, जैसे जहाँ जहाँ मिलता था, नाम हमारे भी आता था, पंचायत से भी मिला, सरपंच से भी मिला, ये बात किसकी झूठ बोलूंगा, जो हमको मिलता था वो मिलता था। लेकिन राशन कार्ड लागू नहीं हुआ, ये बोल वोट कैसे दोगे अगर आप सब, आपका राशन कार्ड या वोटर आईडी बन गई आपकी? वोटर आईडी बनी, वो परसों हो गया। अभी जैसे आप बता रहे हो नई विधानसभा में आए हो आप, तो उसकी जो नई विधानसभा में आप शिफ्ट होने के बाद में वो यहाँ की झोटवाड़ा की वोटर आईडी बन गई आपकी? अरे बन चुका सर जी, बने हुए वर्षों हो गया, बने हुए 15-20 साल हो गई है। राशन कार्ड बन गया, पहचान पत्र बन गया, आधार कार्ड, सब कुछ बने हुए है, बामसा वामसा सब बने हुए हमारे पास, ऐसे नहीं बनी है, सब बन चुका, ये बात तो सारी है, बन चुका हमारा। राजपाल जी से कैसे कहा? राजपाल तो ये बनी है बहुत, तो वो खा चले जिंदा थू कहते बस। अच्छा, और नहीं तो बी बजे मार कटा रही बढ़िया जी, जो विकास तो कराए राजवर्धन का करियो 5 साल में क्यों गोल करियो उठे सर बताऊं। राजवर्धन राठौड़ की बात कर रहे हैं आप? राजवर्धन राठौड़ या राजपाल जी की? राजवर्धन राठौड़ की बात कर रहा हूँ मैं, राजपाल जी की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अभी 4 साल में कुछ नहीं किया राजवर्धन राठौड़ का, अब राजपाल जी की तो गवर्नमेंट नहीं है अभी, वो तो क्या करेंगे ये बताओ आप। और ये गेहूँ की राशन की बात कर रहे हो, 20% नहीं जुड़े हुए जो लोगों को गेहूँ नहीं मिल रही, 20% आदमी। बिजली मिली है फ्री? बिजली फ्री मिल रही है, गहलोत जी ने ये काम अच्छा किया है, बुजुर्ग आदमियों की पेंशन बांध दी, पेंशन के पैसे बढ़ा दिए। हाँ, भूखा कौन मर रहा, नहीं आना डोगरा भूखा मरा, चाय पीड़े भी देखें, ये काम तो अच्छा किया है गहलोत। पेंशन मिली आपको? कितनी पेंशन मिली आपको? 7,500 रुपया। 7,500 पहले कितनी थी? 5,000। बढ़ा दी सरकार ने फिर तो इस बार, तो 250 रुपये बढ़ा दिया आपकी पेंशन के। 1,000 रुपये अब अलग। हाँ, अभी तक कितने आ रहे थे? हाँ, अब भैया 1,000 आ रहे हैं। तो पैसे से तो क्या करते हैं पैसों का? हिसाब कहीं करे था, खर्चा कौन गए, खर्चा 1,000 रुपये में खर्चा निकल जाता है पूरा। हाँ, खर्चा नहीं जाए थे। 5 साल में कोई बुझियो ही कौन है, अब बुझे थे। अच्छा, 5 साल में कोई नहीं पूछा अभी तक, अब पूछने आ रहे हैं जब ऐसा का साथी में पूछे थे। अच्छा, 5 साल में कोई बुझियो ही कौन है ऐसा दोनों, ऐसा वोटर की टाइम आवे थे नहीं तुम्हारा, जैसे कई आते अभी। हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 4.5 साल तक कोई नहीं आया, ना रिपोर्टर आया, ना पत्रकार आए, पर अभी हम लास्ट में आ रहे हैं ऐसे। हाँ, लास्ट में आ रहे थे, चुनाव में तो सारे आएंगे काका। हाँ, फिर मुंडो को देखा वो कोई? अच्छा, कौन रहो वहाँ विधायक जी तो आते नहीं आते विधायक जी, मेरे ये काम से खड़ा कौन रहते, जो बात ही कौन करेगा जी। अच्छा, जाए तक केम कौन है यार, कहीं का केम कौन है, बात ही कौन करे, वो तो भी 113 महान और 12 कहते थे कौन है नड़ जाओ ये कहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। राम राम काका, कैसे हो? ठीक है। लाल सिंह कटारिया जी से मिला है कभी? कटारिया साहब से मिलना हुआ? क्या बूढ़ा है? पेंशन आ रही है? सरकार पेंशन दे रही है 1,000 रुपए, मिल रहा है अकाउंट में पैसे? क्या मजदूरिया क्या मिल रही है? कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार तो आपका नहीं कर रही है। पानी वगैरह कैसा है अपने यहाँ पे, पानी की समस्या, खेती वगैरह में कोई दिक्कत? आपके जो विधायक हैं वो कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री हैं। पानी कौन है? बाठा मार दियो पानी सर। सड़कें बाठा पर? क्या बाठा पर लियो पानी? अच्छा, बाठा पर लियो पानी। सड़कें कैसी हैं? सड़कें आपकी वोटर आईडी बनी हुई है? वोटर आईडी बनी है आपकी, जैसे वोट देने आते हो वो आईडी बनी हुई है आपकी? हाँ। वोट देने को जाते हो आप? जाता हूँ। जाते हैं।
एक बात बताइए, अभी अभी कुछ दिनों पहले फसल खराब हो गई थी, फसल वगैरह फसल का बीमा कुछ हो रहा है आपका, नहीं हो रखा है? कमी लगी, बरसात लगी, जब गल गई सारी फसल, गल गई। तो सरकार से कुछ पैसा मिला आपको कुछ? सरकार विधायक जी ने कुछ पैसे दिलाए थे या फिर कोई कुछ क्या कोई काम किया विधायक जी ने आपके लिए आए मिलने, क्योंकि कृषि मंत्री हैं? कौन है कटारिया साहब से मत कर कैसा अभी तक आप, अभी तक का कैसा पूरा काम रहा है कटाई का, मुझे ही बताइए आप। बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से हो भैया? बूंदी जी। हाँ, कोटा बूंदी से। कोटा बूंदी से आप कहाँ से भैया? भरतपुर से। अपने यहाँ झोटवाड़ा से कौन है अपने यहाँ पे? राम राम चाचा, क्या नाम है आपका? राम निवास। कामनी जी कौन से विधानसभा झोटवाड़ा में, कहाँ से? ग्रामीण से हैं। कैसा काम है अभी तक का? काम बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। पानी तो है नहीं, पर पानी तो पीवादा नहीं छे कोने। खेतों में काम कहीं छे? राम और राज दोनी रुसेड़ा जी भगत का सही पूछे तो ईमानदारी। अच्छा बात, अब तू 17 सवाल करे। अच्छा एक सवाल, राम और राज दोनी रुसेड़ा जब की बात। इस बार फिर मुझे बताइए कि कृषि मंत्री डाला बीजेपी वोट फूल में कमल काम। अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? दिनेश। दिनेश जी, तुम विधान क्षेत्र कौन सा है? माचो जी। माचो। अभी तक का कैसा काम रहा है, क्या क्या काम किए, क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में? समस्या थी तो सारी, जैसे पानी की समस्या थे, जो सारी समस्या थे और गाय की समस्या। राय जी तो कृषि मंत्री हैं आपके यहाँ के, कृषि मंत्री हैं खुद, तो वो खुश पक्का तो पानी योजना की बोलिए आराम से। इधर के भू कृषि मंत्री तो थे लेकिन पानी है ही नहीं है, खेती कहाँ से होगी? मोबाइल खेती है मेरी गाड़ी बस देखा चांड स्क्रीन वाले। फिर कैसे बोल रहे हो कि बढ़िया काम है फिर तो? आए तो बताओ और थान बताओ, बढ़िया काम ही बता रहे, बुरा किए बताओ। पानी नहीं है फिर क्या, फिर तो क्या अगर मोबाइल दे रही चेक बिम देख लिया ना बारे जो काम है रही बैठे बैठे ने वो दे दियो मोबाइल। अच्छा, मोबाइल से खुश है मतलब आप? हाँ, खूब बढ़िया। मोबाइल से तो घर बार चलेगा नहीं आपका? मोबाइल से बंटे देश विदेश देख लिया लांडे बैठे, खेती थे करेला में देखा ला पानी से। नहीं, खेती अगर आप मोबाइल में देख लोगे तो फिर जमीन पे खेती कैसे करोगे, मोबाइल में सारी खेती देख लोगे? नहीं, खेती तो करवाई गुंदे पानी छक हो जाना खंड करवा दे पीबा के लिए पानी को ना पाइप सबके गड़वा दिया पाइप सबके बूंदी को ना पानी की बूंदी को ना पानी की पानी सब जगह पाइप गड्ढेड़ा जी पानी छक हो। मंत्री जी तो बोलते हैं कि बोले आपकी बीसल पर बांध से जोड़ देंगे आपको। अब जोड़ देला तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 4.5 साल तो हो ही गए, अभी कब जोड़ेंगे? 5.5 साल में जोड़ देला आप गल टाइम में 5.5 साल आप वाली छे जिम जोड़ देला मैंने उम्मीद से। बस मंत्री जी को बढ़िया काम से एरिया, मंत्री जी से कोई शिकायत को नहीं, शिकायत बस मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है, पानी की समस्या थोड़ी सी, पानी पीने का नहीं है। पानी तो आ जाएगा, 5.5 साल इंतजार करेंगे तो। अच्छा। मंत्री जी को 4.5 साल हो गए और 5.5 साल दे ला की बात। अच्छा, इंतजार तो करा ला ना मेरे को, मंत्री जी का काम बढ़िया से, मंत्री जी बढ़िया करा रहा है। देखो रोड ऊंची ऊंची बनती आ रही है बंडी सो और कहीं चाहिए। आपका सरकास्म मेरे को बड़ा प्यार लगा, आप जिससे अपने भाषा में अपने अपनी बात कही, आपका कहने का तरीका बड़ा अनोखा, आपका अंदाज बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सबसे पहले सर क्या परिचय है आपका? राजू यादव, गोविंदपुरा से ही बिलोंग करता हूँ जी। और क्या पूछना चाह रहे थे सर? मेरा सवाल यह है कि आपके सबसे पहले विधायक कौन है आपके यहाँ से? हमारे सम्मानीय और माननीय लालचंद जी कटारिया, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, वो हमारे विधायक हैं। क्या क्या कैसा कार्यकाल रहा है, 4.5 साल हो गए अभी तक, तो उनका कैसा उसका रिस्पांस रहा है, आपका क्या रिस्पांस है? 4.5 साल के कार्यकाल में 2 साल आप कोरोना के जाने दो, बाकी जो 2.5 साल 3.5 साल का जो इनका कार्यकाल था वो बेमिसाल है।
शायद ही ऐसा विधायक किसी विधानसभा क्षेत्र में मिल देखने को मिलेगा। जितना काम लालचंद जी कटारिया ने करवाया, शायद मेरे हिसाब से राजस्थान की अगर 200 विधानसभाओं की बात करते हैं तो लालचंद जी कटारिया, शांति धारीवाल जी और अशोक गहलोत साहब, इन तीन के अलावा शायद इतनी विधानसभाओं में जितना काम किया है इतना काम कोई कर भी नहीं सकता जितनी इन तीन विधानसभाओं में काम हुआ होगा। शांति धारीवाल का नाम लिया है आपने, आपने तीन नाम लिए हैं खास करके अशोक गहलोत, शांति धारीवाल और लालचंद कटारिया। शांति धारीवाल पर तो अभी घास गिरी हुई है सरकार की। शांति धारीवाल ने अपने क्षेत्र में विकास कराया, बात विकास की हो रही है, अपने क्षेत्र में जितना विकास कराया आप जाके देखोगे अगर कोटा के अंदर तो वहाँ उन्होंने जन्नत बना दी। और आज झोटवाड़ा विधानसभा में जाके देखोगे आप, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं पर भी, तो आपको देखने पर लगेगा कि वाकई में ही किसी ने अगर काम कराया तो लालचंद जी कटारिया ने करवाया। क्या मूल समस्याएं हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की? मेरे हिसाब से सुनो, अगर लालचंद जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर दो तीन साल, अगर पूरे पाँच साल इनको अगर ढंग से मिल जाते हैं तो मेरे हिसाब से कोई बच्चों की भी शिकायत नहीं रहती कि हमारी कोई समस्या बची है। जितना काम करा है वो काबिले तारीफ है। अब काम जो हो रहा है, जो बच गया वो भी काम चालू है। समस्या किस चीज़ के? पानी, कुछ बिजली, क्या समस्या है? समस्या बस रोड, पानी, बिजली की समस्या थी। जो कल भी बीसरपुर की 53 कॉलोनी में कल पानी का काम चालू हो गया, टंकी का उद्घाटन था कल। महेश जोशी जी और मंत्री जी गोपाल जी मीणा साहब, इन्होंने कल उद्घाटन किया था। 53 कॉलोनी में कल से पानी की आवक चालू हो गई है। और रही बात आप विकास की बात करें तो गोविंदपुरा क्षेत्र में इतना बड़ा पार्क जो डेवलप हुआ है, तो आप अगर उसे कहोगे ना तो राजस्थान की जन्नत का अगर उसे नाम देंगे तो वो भी कम होगा। उसका परसों के दिन 22 तारीख को माननीय कृषि मंत्री जी लालचंद जी कटारिया साहब और वन मंत्री जी और धारीवाल जी तीनों मिलके उसका उद्घाटन परसों के दिन 22 तारीख को सुबह 7:30-8 बजे के लगभग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप एक उनके 4.5 साल तक के कार्यकाल से ओवरऑल खुश हैं, तो कितने नंबर देना चाहेंगे कटारिया साहब? मैं तो क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल में 2 साल कोरोना चले गए, हम तो पौने तीन साल का जो कार्यकाल था उससे ही इतने ज्यादा संतुष्ट हैं कि 70 साल में जितना काम नहीं हुआ ये तो रोज ना रोते हैं विपक्ष वाले कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ, 75-70 साल में कुछ नहीं हुआ, उससे ज्यादा उन्होंने 3.5 साल में काम कर दिया। अब कैसे वो रोज ना रोएंगे लोगों के पास जाके कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, उनके पास कहने के लिए वर्ष नहीं है, लोग कुछ भी कहे। लेकिन आज लालचंद जी कटारिया साहब ने जितना काम कराया, मेरे हिसाब से नहीं लोगों के हिसाब से भी शायद ही कोई विधायक इतना काम करा पाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स पे बात अगर करें तो गहलोत सरकार ने काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स जो आम जन लोगों के लिए बनाई है, जैसे फ्री बिजली हो गई, फूड पैकेट योजना हो गई, उसका कुछ लाभ मिला है आपको? सबको लाभ मिल रहा है, आम जनता को लाभ मिल रहा है, नेताओं को उससे कोई लाभ नहीं है, आम जनता को उससे लाभ मिल रहा है। लोगों को कितनी राहत महसूस हो रही है आज ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ जहाँ जाके देखिए जिनके पास दो वक्त के खाने की समस्या होती है उनके पास फूड पैकेट वगैरह वो आते हैं, उनकी काफी लोगों को मदद मिली है। क्या नाम है अंकल आपका? सरदार सिंह यादव है मेरा नाम। विधानसभा क्षेत्र में एरिया कौन सा है आपका? झोटवाड़ा में। झोटवाड़ा में कौन सा एरिया, वार्ड कौन सा आपका? 47 नंबर। क्या समस्या है आपके विधानसभा? समस्या जो थी वो सारी पूरी होगी लगभग लगभग, मंत्री जी ने इतना काम किया है, इतना काम किया है जो तारीफ़ काबिल है, इतना तारीफ करो उतनी कम है। और जो कल भी कोई योजना बता रहे थे, जितनी भी सरकारी योजना है उनका पूरा फायदा क्षेत्र को मिला है, और जितनी भी रोडें हैं, रोड लाइटें हैं, पानी का काम है, सारा उन्होंने लगभग लगभग सारा करवा दिया। जो बचा है ना वो सारा बोले आप पूरा करवा के छोड़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, बहुत जागरूक विधायक है। कितने नंबर देंगे आप कहाँ कटारिया साहब को? हम तो 100 में से 100 देंगे। अजय अंकल, क्या नाम है आपका अंकल? संजय अग्रवाल नाम है मेरा जी। पूछिए क्या पूछ रहे हैं? क्या कैसा विकास कार्य रहा है अब तक का कटारिया साहब का? जी बहुत बढ़िया रहा है, पूरे क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है, आम जनता को बढ़िया प्रोत्साहित किया है उन्होंने। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम किया है उन्होंने वो बेमिसाल है, बहुत अच्छा काम हुआ है उनकी तरफ से। हम आम पब्लिक को, आम जन को कोई समस्या नहीं है उनसे, बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। कितने नंबर देंगे आप कटारी साहब को? मैं तो पूरे में से पूरे नंबर दूंगा, दोबारा फिर चाहूंगा कि वो दोबारा फिर आए। क्या नाम है सर आपका? राजूलाल जी यादव। राजूलाल जी यादव, कैसा क्या थोड़ा काटो में खड़े आराम से आगे जाइए आप, कैसा कार्यकाल रहा है अभी तक कटारी साहब का? बढ़िया है, अच्छा है। क्या समस्याएं रही हैं? कोई समस्या नहीं है अभी तो, हाल फिलहाल सही है, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़िया है, शहर में बढ़िया है, लालचंद जी बढ़िया है। मुझे बताइए
अशोक गहलोत जो है उन्होंने फ्री स्कीम्स की योजनाएं लाई हैं, तो आपको कुछ पर्सनली कुछ लाभ मिला 100 यूनिट का या फिर 200 यूनिट से? उन्होंने कहा कि 200 यूनिट के बाद उनको कोई भी आपको वैट नहीं लगेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, जो अदर शुल्क हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। कुछ मिला है ना? मिला है आपको? मिला है सर। कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह को दिखाने के लिए? घर पर है वो, बिल है अपने पास में, वो घर पर। उसमें कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है उसमें एक्स्ट्रा कोई भी? नहीं नहीं। पहले कितने यूनिट आपका बिल आता था? पहले क्या बिल आता था? अभी अभी में क्या डिफरेंस है? पहले में क्या डिफरेंस है? पहले आदिवाद का चक्कर है सर। किसका? आदिवाद का चक्कर, 50-50 का चक्कर। कैसे समझाइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। जैसे मेरे 1000-1200 रुपये आते थे, तो अब खेलने का मतलब 200-300-500 तक लास्ट है। ओके, मुझे बात बताइए सिंपल साधारण भाषा में कि उसका जो बिल है, मतलब पहले की काफ़ी लोगों का कहना है कि वो बिल में अगर यूनिट का सरकार कम कर रही है तो उसमें जो अदर शुल्क हैं, जैसे लाइक कि स्थायी शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है, लोग सरकार कैसे भी करके जो पैसा कम कर रही है वो स्थायी शुल्क के माध्यम से वापस जनता से ही ले रही है, वो बाकी लोगों का यही कहना है। वो देखो जनता की सोच की फर्क है भाई, जितना अपन कर रहे हैं बाहर जनता, जैसे हमारे तो जैसे 100 यूनिट से ज़्यादा आ रहा है तो बहुत पैसा तो लगेगा ही लगेगा। किसी को ज़्यादा बिजली खर्च कर रहा है तो वो तो उसको महसूस कहाँ पे होगा। जोटवाड़ा एरिया वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो वैसे भी गवर्नमेंट ने टेबल बनाई हुई है शहरी टेबल, जो कि उसमें जो शहरी क्षेत्र हैं उनका यूनिट का चार्ज अलग है, ग्रामीण का अलग है, जो सेमी अर्बन है जो मतलब अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका चार्जेस अलग होते हैं। तो आप, मैं ग्रामीण में हूँ, शहर में नहीं हूँ, हाथोज गाँव में। तो आपको ग्रामीण के हिसाब से पूरा शुल्क लगता है? ग्रामीण के हिसाब से। कितने नंबर देंगे आप खिलाड़ियों सबको? 100 में से 100 सर। क्या बात है, बहुत बहुत। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अरुण है। कौन सा क्षेत्र है आपका? मेरा क्षेत्र झोटोड़ा। कौन सी वार्ड कौन सा आता है आपका? 39 वार्ड से हूँ, ग्रेटर में आता है वैसे तो। ग्रेटर में? हाँ, विद्याधर के विधानसभा क्षेत्र से। विद्याधर विधानसभा? हाँ। अच्छा, कैसा कार्य रहा अभी तक का? मेरा तो देखा जाए तो मेरा विधानसभा क्षेत्र पे लगे, मैं प्रवासी उधर का ही हूँ, तो इधर तो आना जाना लगा रहता है, बाकी रोड स्ट्रक्चर को देखते हुए थोड़ा सा है, बाकी अदरवाइज और जो काम किया वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। विद्याधर नगर में सीताराम जी के लिए लंबी लड़ाई चल रही है अभी आमजन में, सीताराम अग्रवाल जी के लिए लोग। सीताराम जी अग्रवाल लास्ट ईयर देखो हार चुके हैं, अब नया कोई प्रोजेक्ट वो लेके आते हैं या कोई नई चीज़ उन्होंने कोई ऐसा अभी तो कोई ऐसा कोई डाला नहीं है कि भाई कोई नई चीज़ दें। अब जो सरकार देती आ रही है, जैसे गहलोत साहब दे रहे हैं, तो वो भी देंगे। आमजन की जो समस्या है उसका निवारण अगर वो सोचते हैं, पानी भराव क्षेत्र है और भी बहुत सारी समस्याएं, तो अगर उनका निवारण वो करते हैं तो ये सरकार का है। कैसा कार्यकाल रहा है का? कार्यकाल ऑलमोस्ट 3-2 बार जीत चुके हैं, लगातार के विधायक हैं, एक अच्छे मार्जिन से जीतते आ रहे हैं। इस तरह अग्रवाल से तो वो उसी को जाता है भाई, आप ये देखो ना, दो बार तीन बार जीतने का रीजन क्या होता है? एक प्रत्याशी को अगर दोबारा चुनते हैं तो उसका रीजन क्या होता है? चुनने का रीजन भी तो ये होता है ना कि अगर वो प्रत्याशी अगर काम कारगर होता तभी तो उसको चुनते हैं। लेकिन जब हम लोगों से, जब हमने विधानसभा, जैसे कि अभी हम झोटवाड़ा विधानसभा में आए हुए हैं, लेकिन जब हमने विद्याधर नगर के लोगों से बातचीत की तो उनका एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आया देखिए, और सीताराम अग्रवाल की उन्होंने एक अच्छा फीडबैक दिया है हमारे पोल के हिसाब से। हर एक आदमी का सोच समृद्धि अलग अलग है, कौन क्या सोचता है। मैं राजवी साहब के साथ हूँ तो डेफिनेटली मैं राजवी साहब के साथ ही बोलूंगा, मेरे भाई साहब और भी हैं तो वो सीताराम जी के साथ है, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से थे नहीं? वो तो नहीं, ऐसा तो कैसा, कैसे नहीं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लास्ट ईयर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। नहीं नहीं, मेरा कहना कि जिन लोगों से हमने बातचीत की, जो आम जन थे सारे के सारे, दुकान पे काम करने वाले आपकी तरह व्यवसायी लोग थे, ये मैं कह सकता हूँ कि देखो हर कोई चीज, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ही जो प्रत्याशी हैं वो बहुत सुपर डुपर हैं, मैं कह सकता हूँ कि हाँ कोई काम का इशू रहा है, पानी भराव क्षेत्र है और बहुत सारी समस्याएं जो अब की बार थी तो उन्होंने नहीं किया, तो नहीं किया इसका मतलब तो पार्टी का मैं नहीं कहूंगा, बाकी आम जनता का जो साथ है अगर वो चाहती है काम करवाना तो जाएं आगे, नहीं जाने पे कैसे होगा काम। मेरा मुद्दा तो ये होता है कि भाई मैं आदमी को पकड़ के काम करवाना हो तो मैं अगले के घर भी जाऊँगा, सब कुछ करूँगा, पर जब समस्याएं इस टाइम पे, इलेक्शन टाइम पे आती हैं तो ही क्यों, ये फर्स्ट टाइम भी होता है, फर्स्ट ईयर में भी होता है, जैसे इलेक्शन में आज मैंने भी, मैं जीत के आज ही आया हूँ, तो नेक्स्ट मंथ ही पकड़ लो ना विधायक को लास्ट में क्यों पकड़ते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट पकड़ लो, कहाँ ठीक है सब काम करवाइए आप। अब काम का मुद्दा जब आता है, जब वो हारने की कगार पे या फिर वो नया कोई ऐसा एजेंडा पैदा होता है, जब वो आते हैं साहब हाँ ठीक है साहब ये काम पूरा नहीं हुआ, नहीं, इलेक्शन होने के जस्ट बाद, वो जीतता या हारता वो बात की बात है, जीतता है तो उसको तुरंत पकड़ लो, हाँ सर ये काम करवाना मुझे और ये करवा के रहिए, क्यों नहीं करेगा। क्षेत्र में लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल 4.5 साल से बिल्कुल दिखे भी नहीं आमजन में एक बार भी। वो मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि जो आदमी 3 बार विधायक बना वो किस रीजन से बना, या तो पब्लिक पागल हो
विधायक तो पागल हो ही नहीं सकता, तो पब्लिक ने ऐसा क्यों चाहा? अब वोटर पे डिपेंड है कि वोटर क्या चाहता है, कि काम कराने के ना करने के बावजूद भी अगर वो आता है सत्ता में तो क्यों आता है? पब्लिक इसका मतलब पब्लिक चाहती है। इस बार भी देखते हैं कौन आता है। वैसे बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं सीताराम जी अग्रवाल, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे उनसे बहुत अच्छे व्यक्ति के संबंध भी हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जीते या वो हारे, कोई भी व्यक्ति आए चाहे वो कांग्रेस का है चाहे वो बीजेपी का विधायक है, कार्यकाल उसका बेस्ट होना चाहिए, वो काम करे जनता के लिए तो ही जनता उसको चुनेगी। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर संग्राम सिंह नाम है मेरा। संग्राम सिंह जी, कौन सी विधानसभा क्षेत्र में आप, झोटवाड़ा में कौन से किस एरिया में आते हैं आप? विद्यानगर विधानसभा पड़ती है अपने दादी फाटक पे, वार्ड नंबर 14। क्या नाम है आपका? रमेश चौधरी। विधानसभा झोटवाड़ा। क्या सर कैसा कार्यकाल रहा है कटारिया सर का? बेमिसाल। कौन है भाजपा से प्रत्याशी, कौन है आपके यहाँ से? पहले तो राजपाल जी थे, उनको तो कभी कोई पहचानता नहीं है गाँव में, तो क्यों जाते ही नहीं है। लालचंद जी जैसे घर के आदमी है, सभी के जाते हैं, कोई भी जाओ उनके दरबार हमेशा खुले रहते हैं, कोई भी काम के लिए जाओ कोई मना नहीं करता वहाँ पे। और गाँव में जाके देखो, आप खुद जाके देखो काम, जो काम हुए हैं वो जो काम है बोला था वो सब धरातल पे है काम। क्या क्या चुनावी वादे क्या क्या थे लालचंद कटारिया जी के, अगर चुनावी वादों की बात की जाए तो क्या क्या वादे रहे हैं उनके? रोडों का है, पानी का है, और जो भी काम है वो सब चालू है, कुछ 80-90% हो चुके हैं और जो भी है वो चालू है सब। किसान कृषि मंत्री हैं? हाँ जी। तो उनका अभी तक लाइक एज ए कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, आम जन से जुड़ाव है उनका, तो ऐसा क्या खास है कि दोबारा उन्हें लाने वाले हैं? किसानों के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में, वो पहले जैसे भी बैठते हैं कायम भी बैठते हैं तो पहले पानी के बारे में सोचते हैं वो, भाई किसानों का भला कैसे किया जाए, जैसे कोई पाला पड़ गया और कोई हो गई तो उस जाके फसल को भी देखते हैं, आधी रात को भी बुलाते हैं तो चले जाते हैं। जैसे टिड्डियाँ आई थी तो सारी सारी रात गाँव में ही रहते वो, टिड्डियों के टाइम में वहाँ छिड़काव करवाना, वो गाड़ियों को आप प्रशासन को बुलाना, सब काम सारी रात गाँव में ही हमारे पास में ही रहते सारे। क्या नाम है अंकल आपका? राजेश। विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा, विद्याधर नगर। मुझे एक बात बताइए, विद्याधर नगर झोटवाड़ा सेम मतलब कैसे आ रहा है, जुड़ा हुआ है क्या, क्या सीन है इसका? नहीं सर, रहते वहीं उधर काम इधर करते हैं। अच्छा, मतलब आपका कार्यभूमि आपकी विद्याधर नगर झोटवाड़ा है, आपकी ग्रामीण में आते हैं। अच्छा, क्या बात है, दो दो विधानसभाओं में आ रहे हैं। तो पहले आपसे आपके घर की बात करते हैं, विद्याधर नगर की क्या रिस्पॉन्स है? सर मैं तो देखा ही नहीं जीते पास, बिल्कुल नहीं देखा चुनावों के बाद में। शायद आपकी बार उनको टिकट ही मिलेगी, टिकट ही कट जाएगा इस बार उनका। सीताराम अग्रवाल जी की बात करें तो नहीं, वो जीतो तो इस बार भी जीत जाते, लेकिन वो विक्रम जी खड़े हो गए तो कांग्रेस की वोट कटी गई वहाँ से जी, तो इस चक्कर के अंदर वो निकल गए नरपसिंह जी। ये काम तो देखो भी अच्छे करवाया उन्होंने, भी पार्क वार्क भी करवाया, स्कूलों का भी, इनका भी सब अच्छा काम करा। अब जैसे पानी की समस्या झोटवाड़ा के अंदर बहुत ज़्यादा, अब वो पानी की रोजाना लोग परेशान हो रहे, टैंकर डलवा रहे वहाँ पर, ये हालत है। और जो तो पूरा सिटी बसा हुआ है, कोचिंग कब रह गया, लेकिन ट्रैफिक जाम, रोडों की हालत खराब। राजपाल जी धरातल पर दिखते हैं कभी? मतलब आपका कहने का मतलब है कि ना तो कांग्रेस के प्रत्याशी लाल सिंह कटारिया जी धरातल पर हैं, ना भाजपा के प्रत्याशी राज। तो सर हम आते हैं ना इधर, चलो विकास भी करा है, आप बाईपास पे जाओ शाम के टाइम पूरा जाम मिलेगा, कांटा चौराहे देख लो जाम मिलेगा एनी टाइम। सुबह लोगों को पानी के लिए बार बार ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, पानी कितनी समस्या है, मुश्किल 10 मिनट पानी आता है, ये हालत वहाँ पर, बुरा हाल है। मतलब कार्यशैली की बात करें, बिल्कुल ही नहीं कराता ना ध्यान देता हूँ। आपकी कार्यभूमि की बात करें, जो आप झोटवाड़ा में आ रही है उसमें इधर तो विकास करा ना खूब, रोडों का भी हुआ है, बल्कि कॉलोनी भी बिल्कुल लाइटें वाइटें सारा सिस्टम कर दिया। और अभी जो बारिश में टूटी है, टूटी है तो ये तो हर जगह टूटी है। तो आपका विधानसभा विद्याधर नगर आ रहा है, पर वोट तो यहाँ से दे नहीं सकते आप, तो पर सिर्फ कार्यभूमि है, तो अच्छा रिस्पांस है आपका। सरकार तो कहीं से बना सकते ना। व्यापार मंडल में आते हैं, व्यापार मंडल जुड़ा हुआ होगा आपके, व्यापार सारी मंडली है आपकी, कहाँ वो किस विधानसभा में आती है? नहीं अभी काम यहाँ करते तो झोटवाड़ा में आती है, और वैसे वहाँ भी काम करते हम। अगर झोटवाड़ा आपके व्यापार मंडल, क्योंकि आपका कार्यभूमि विधानसभा की वो है झोटवाड़ा है, वहाँ पे क्या रिस्पांस है आपके आम जन के लोगों के बीच में, आपके व्यापार मंडल में क्या रिस्पांस है? सर काम करा रहे जब भी तो उनका नाम हो रहा है, ऐसे कौन पूछता है उनको जी। अब हम जैसे कि देख लो सुबह उठे रात को 2 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है, 15 मिनट पानी आता है इस कारण जी। अब उनको बोल चुके बोला चेक करा रहा हूँ, प्रेशर चेक करा रहा हूँ, बाटा नहीं करा रहे कुछ, ये हालत खराब होगी। कितने नंबर देंगे कटारिया सबको? कटारिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है अंकल आपका? राम यादव। विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा, ग्रामीण या फिर ग्रेटर? यही
ग्रामीण में है आपका, कैसा कार्यकाल है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सभी लोग क्या इतना क्या कारण है कि खास कारण क्या है कि सब कटारिया है ना, काम कराने में कमी नहीं छोड़ी, अच्छा काम हो रहा है, आम जन से जुड़े हुए हैं। हाँ अच्छा अच्छा है, ये मान लो उसका आम जन से जुड़ा हुआ है, अच्छे हैं, घर के हिसाब से रहते हैं ये मान लो। मिल कभी पर्सनली मिलने का मौका मिला है आपको? हम मिलते रहते हैं, वैसे कोई काम होता है तो आ जाते हैं मिलने के, कोई हो तो मिल जाते हैं। कितने नंबर देंगे आप? पूरे फुल सपोर्ट रहेगा लाजमी कटारिया को इस बार। भाजपा को साथ, अगर भाजपा के साथ की बात करें, कमल के साथ साथ की बात करें, तो अगर कैसा रहेगा, कौन प्रत्याशी एक्सपेक्ट करते हैं अपने एरिया से आप? मुझे नहीं पता। नहीं करेंगे, भाजपा को चुनना ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, लालचंद जी कटारिया। तो ये थे आज हमारे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गोविंदपुरा ग्रामीण क्षेत्र के और ग्रेटर के लोग, जिनका मानना है कि लालचंद कटारिया एक ऐसे आमजन के व्यक्ति हैं जिनका शुरुआत से ही लोगों में जुड़ाव रहा है, लोगों के बीच कार्यशैली उनकी लंबे समय से बनी हुई है और आने वाले समय में भी लोग कमल के साथ को छोड़कर हाथ को अपनाने वाले हैं। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।